नीमच शहर में 4 फरवरी को समाज सेवी अशोक अरोरा गंगानगर पर जानलेवा हमले को लेकर सर्व समाज और संगठन संस्था के पदाधिकारियों और आमजनों ने हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर आज एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया को ज्ञापन सौंपा। घटना के विरोध में करीब 150 संगठनों द्वारा मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। इस घटना के विरोध में रैली के रूप में 40 भारत माता चौराहे से पुस्तक बाजार, जाजू बिल्डिंग, नया बाजार, घंटाघर, तिलक मार्ग, फवारा चौक, टैगोर मार्ग होते हुए पुराना केंद्र थाना परिसर पहुंचे। यहां ज्ञापन का वाचन एडवोकेट मनीष जोशी और हिंदूवादी नेता निर्मल नरेला ने किया। यहां पर आक्रोशित समाजजन ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा के द्वारा की गई, जिसमें उनकी जान जाते जाते बची और हम परम पिता परमेश्वर की कृपा से उनकी जान बचाने में वो सफल रहे। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये शांति का टापू है नीमच। अगर आप आसपास के जिले देखें, मंदसौर देखें या चित्तौड़ देखें, तो उस तरीके की घटनाएं कभी भी इस नीमच जिले में नहीं हुई। और वो सिर्फ उस वजह से नहीं हुई, मैं इस हमले को जो है बिल्कुल एक अलग नज़रिए से देखता हूं। और मैं इस नज़रिए को इस तरीके से देखता हूं कि एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि उसकी वजह से ये पूरा शहर सुरक्षित है। क्या बात है, सही बात है। और ये जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो प्रोफेशनल शूटर्स हैं, जो अवैध वसूली करना चाहते हैं, उनको ये मालूम है कि इस शहर पे किसका संरक्षण है और कौन हर्डल है। वो येन केन तरीके से अशोक भाई के ऊपर हमला करके और ये मंदसौर और प्रतापगढ़ के आधार पे इस शहर से अवैध वसूली करना चाहते थे। तो हमारा मुख्य आज जो ज्ञापन का आधार है वो यही है कि जो प्रोफेशनल शूटर्स हैं, उठाई गिरे हैं, जो सिर्फ चंद रुपयों के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं, उसके दो भाई इस प्रशासन के नाक के नीचे उसकी डेड बॉडी लेके जाते हैं। और प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर जो है उसमें वो खुलेआम चेतावनी देके जाते हैं कि एक भाई गया है, दो अभी रहे। तो मेरा आप सबके माध्यम से पुलिस प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और हमारे अभी नव नियुक्त मुख्यमंत्री है आदरणीय मोहन जी यादव, जो बहुत सारी ऊर्जा से भरे हुए हैं, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनसे विनम्र अनुरोध है कि यूपी के दर्ज पे इन प्रकरण में जितने भी संलिप्त लोग हैं सबकी अवैध संपत्तियां समूल बुलडोजर से नष्ट की जाए। और यही नीमच क्षेत्र की जनता की मांग है ताकि आने वाले दिनों में कोई शाह और फकीर इस शहर की जनता की तरफ आंख उठा के नहीं देखे। कितने ज्ञापन सौंपे गए भाई साहब? लगभग 150। कितनी पब्लिक थी आपके हिसाब से? देखिए, संरक्षण तो चले ही आया ना, संरक्षण तो चले ही आया। और इसीलिए जो सर्व समाज ने जो मांग करी है वो आपने देखा होगा कि वो ज्ञापन मुख्यमंत्री राजस्थान के नाम पे भी है। और ये सबको भी दी थे, कोई बोलना नहीं चाहता, सब डरते हैं। लेकिन हमारे आसपास के क्षेत्र में प्रतापगढ़ जेल एक ऐसी है जहाँ से खुलेआम गतिविधियाँ चलती है और जहाँ से खुलेआम अवैध वसूली के धंधे होते हैं। अक्सर उस पर पाबंदी राजस्थान सरकार को लगाना चाहिए। और आज हमारे जो भाई, हमारे जो निर्मल नरेला है उनने और जो सर्व समाज के ज्ञापन का वाचन किया है, तो उसमें आप देखेंगे हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री से मांग करी है। और निश्चित रूप से कहीं कहीं इस प्रशासन की कमजोरी है। और कोई भी अपराधी फल फूलता है तो उसके ऊपर या तो राजनीतिक संरक्षण या प्रशासनिक संरक्षण होता है। चाहे भाई हरदा की घटना देख लें, हरदा की घटना में क्या हुआ, जो पहले सजा काट चुका था उसी आरोप में वो वापिस से फटाके की फैक्ट्री चला रहा था, न्यायालय द्वारा उसे जमानत दे दी गई थी। और यहाँ देखें आप, यहाँ अगर एक हमलवार का एक जो अज्ञात हमलवार था और जिसका नाम पूरी तरीके से खुल चुका है, बाबू सिंधी, वो पेरोल पे आया हुआ था। और पेरोल पे आने के बाद उसे लगातार जो डेट्स नहीं मिलनी चाहिए थी वो उससे वो डेट्स प्राप्त कर रहा था। कौन इसका जिम्मेदार? प्रशासन रहा और उस समय के तत्कालीन अधिकारी रहे। आप सबने लोगों ने देखा कि एक उठाई गिरा आदमी, एक तस्कर आदमी, उसका केक एक जो है पुलिस का टीवी काटता है। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उसके बाद बैकअप क्या। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि पत्रकार लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि आखिर आप क्यों बैकअप नहीं लेते हैं। आखिर क्या हुआ उस टीआई का जिसने एक तस्कर का केक जो है बंदूक से काटा था? और जब तक ऐसी गतिविधियों पे अंकुश नहीं लगेगा इस तरीके के अपराध बढ़ते जाएंगे। नीमच से अब्दुल अली रानी की ये रिपोर्ट।